जम्मू कश्मीर के उरी आर्मी बेस पर हुआ आतंकी हमला इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है और इस हमले के पीछे एक बार फिर पाक प्रायोजित आतंकियों के हाथ होने की बात सामने आ रही है। अभी तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी में घुसपैठिए सीमा पार से भारत की रेखा में दाखिल हुए और हमलों को अंजाम दिया। आइए नजर डालते हैं इस साल हुए बड़े हमलों पर। उरी आर्मी बेस हमले से पहले जुलाई 2016 में कुपवाड़ा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ था। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया था सेना की तरफ से। वहीं जून 2016 में भी पुलवामा में सीआरपीएफ टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले जून 2016 में बिजबेहड़ा में भी आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। मई 2016 में भी श्रीनगर में 2 जगहों पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। सबसे पहले जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था और इस हमले में 7 जवान शहीद हुए थे और 20 जवान घायल हुए थे। आपको बता दें कि उरी आर्मी बेस और पठानकोट आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमलों में काफी समानताएं हैं। यहाँ भी आतंकियों ने उसी तरह हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में मारे गए आतंकी सिपाही सबा ग्रुप के थे। ये ग्रुप मसूद अजहर को रिपोर्ट करता है जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है। इनके पास से पश्तो भाषा में नक्शा भी मिला है। इस हमले में भी एक बार फिर मौलाना मसूद अजहर का नाम सामने आ रहा है। पठानकोट हमले में भी मसूद अजहर का नाम सामने आया था जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर मसूद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है जिसने मसूद को आज़ाद छोड़ रखा है। देखते रहिए टीवी लाइव।